कैसे हैं आप सब लोग। मैं बहुत अच्छी हूँ, इम्प्रूव हो रही है मेरी हेल्थ, बहुत अच्छी फील कर रही हूँ, बेटर हूँ पहले से, और धीरे धीरे करके हो जाएगी ठीक, इम्प्रूव हो जाऊंगी। तो मैं आज आपके लिए एक नया ब्लॉग लेके आई हूँ अपने जैसे लोगों के लिए। अब अपने से क्या मतलब है मेरा, आप गेस करके कमेंट में बताइएगा, और मैं आपको 5 गिनने के बाद मैं आपको बताती हूँ। तो मैं कमेंट 5 तक गिनती हूँ और आप कमेंट कीजिएगा तब तक कि मेरा 5 ऐसे लोगों के लिए। तो मैं काउंट करती हूँ, 1, 2, 3, 4, 5। तो आपने गेस किया हो तो कमेंट कीजिएगा और मैं बता देती हूँ। अपने जैसे लोगों से मेरा मतलब है अपने जैसे शॉर्ट हाइट वाले लोगों के लिए। कुछ टिप्स लेके आई हूँ मैं, अगर आप भी मेरी तरह शॉर्ट हाइट वाले हैं तो कुछ मेरे टिप्स हैं आपके लिए, सजेशन है, आप फॉलो कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, आपको अच्छे लगे तो। पहला टिप है कि आप कभी भी प्लाजो मत पहनिएगा, लूज वाले जो प्लाजो है वो मत डालिएगा, क्योंकि उनसे हाइट थोड़ा हेल्दी लगता है बंदा, तो हाइट शॉर्ट लगती है। और नैरो पैंट्स डालिएगा आप शर्ट के साथ जब भी डालें, ठीक है। और सेकंड टिप है मेरा आपके लिए, आप हाई वेस्ट बॉटम पहने, शॉर्ट टॉप पहन सकते हैं उसके साथ, लेकिन आप जो भी जीन्स वगैरह अगर वेयर करते हैं तो आप हाई वेस्ट जीन्स वेयर कीजिएगा। अगर आप कुर्ता शॉर्ट टॉप जो भी डालते हैं ट्राई कीजिएगा आप ए लाइन या फिर अनारकली टाइप डालिएगा, क्योंकि पूरा वो फ्लोर एक ही, आपका पूरा विजन एक ही दिखता है, तो आपकी हाइट में लंबी नजर आती है। और अनारकली में आप ट्राई कीजिएगा कि आप जो बीच में चोली वाला पैटर्न होता है उसमें दो पैटर्न अगर अलग अलग कलर के हैं तो वो ना लीजिएगा आप, वो ना ट्राई डालिएगा, क्योंकि उसमें आपका डिवाइड हो जाता है तो आपकी हाइट शॉर्ट लगती है उसमें। तो आप जब भी डालें ट्राई कीजिएगा कि अनारकली डालिए या ए लाइन कुर्ता डालिए। तो और नेक्स्ट टिप है मेरा आपके लिए नेक के लिए, आपकी जो भी ये नेक शर्ट का टॉप का जो भी हो वो वी नेक हो, उसमें आपका विजन जो है लॉन्ग दिखता है, और आप हाई नेक ना डालिएगा क्योंकि उसमें आपकी हाइट थोड़ी शॉर्ट लगेगी। तो आप ट्राई कीजिएगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा वी नेक ट्राई करें, ये मेरा आपके लिए एक टिप है। और एक और टिप है आपके लिए, आप जब भी ट्राई कीजिए वर्टिकल लाइंस में, आप जब भी लें आप फ्लावर्स बड़े बड़े ब्रॉड इस तरह के प्रिंट्स ना लें, आप वर्टिकल लाइंस में लें, आप टॉप ले रहे हैं, शर्ट ले रहे हैं, इनफैक्ट आजकल तो साड़ी भी वर्टिकल में आ जाती है, मिलती है, तो आप वर्टिकल लाइंस का ट्राई कीजिएगा। एक और टिप है मेरा आपके लिए। और एक और टिप आपको देती हूँ मैं, आप कोशिश कीजिएगा जब मैचिंग ना पहने, आप एक ही वाइट पूरा शर्ट ट्राउजर पूरा दोनों एक ही वाइट एक ही कलर का डालें, पूरा ब्लैक डालें, येलो डालें, पूरा एक ही कलर का डालें, उसमें आपका विजन पूरा लंबा नजर आएंगे, आप उसमें फ्रेम में आप लॉन्ग नजर आएंगे। जिन्हें सॉलिड कलर्स भी पहन बोलते हैं, तो आप ट्राई कीजिएगा सॉलिड कलर डालें आप। और नेक्स्ट टिप है मेरा आपके लिए, आप डालें पॉइंटेड हील डालिएगा और न्यू शेड में डालिएगा, क्योंकि वो भी आपकी स्किन टोन से पूरा मैच हो जाएगा, तो आपको एक फ्रेम में आपको पूरा लॉन्ग नजर आएगा। और पॉइंटेड डालिएगा, ये एक और टिप है, ये भी ट्राई करके देखिएगा आप। मैं जो भी बता रही हूँ आपको टिप, इनमें से कुछ भी आप ट्राई कीजिएगा 2-4, मे भी आपको फर्क लगे, ये मेरे एक्सपीरियंस। और मेरा नेक्स्ट टिप है आपका आपके बालों के लिए, सुंदर सुंदर बालों के लिए। हालांकि मुझे खुले बाल बहुत पसंद है, पर अगर आपको हाइट अपनी लंबी दिखानी है तो उसके लिए आप ट्राई कीजिएगा आप एक बन बनाए, बन वो भी आप गर्दन पे ना बनाए, टॉप पे बनाए, एक टॉप पे आप बनाएंगे तो फिर भी आपकी हाइट लंबी नजर आएगी। तो ये एक और टिप है आपका बालों के लिए, ये भी ट्राई करके देखिएगा आप। और एक लास्ट टिप बस अब आपके लिए है, वो है आपकी फोटोग्राफी के लिए, आप शूट कराते हैं तो जब भी आप शूट कराएं तो आप ट्राई कीजिएगा जो कैमरे का कैमरा खींचने वाला है वो आपका सामने नीचे बैठ कर ले, ताकि आपका विजन लंबा नजर आएगा, आपका डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपके सामने पिक खड़े होकर ना ले वो। ये और एक टिप था मेरा आपके लिए, तो जरूर ट्राई कीजिएगा आप और देखिएगा कुछ फर्क लगा हो तो। तो बस यही थोड़े से आज टिप थे मेरे आपके लिए, पसंद आए हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा मेरा ब्लॉग मेरा चैनल। तो बस आज के लिए इतना ही, चाचा बाय, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।